दुनिया मना कर के टेलीविजन टूट गयो, कूलर ही टूट गयो, फ्रिज ही टूट गयो, मशीन तेरी कोनी बा कोनी आसन के मैडम ने फेर प्रतिस करन जानो आका मने गाड़ी देते मने ये बताओ मेरे 1500 की गाड़ी सर इयो ने जो एक गाड़ी की डिमांड की है इनके साथ जाने के लिए सर उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं इस संबंध में मुझे कोई पता नहीं है, इस संबंध में कोई ऐसी कोई बात है तो नहीं ऐसा कोई है परिवादी से गाड़ी मांगी जाए पर्सनली? नहीं कोई गाड़ी मांगने का कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है और इस तरह की कोई बात होगी तो। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना मानगढ़ चैनल से। दोस्तों आज इस टाइम अपने खड़े हैं नगर और अबोर बाईपास को जोड़ने वाली एक रोड के ऊपर जहाँ काफी टाइम पुराना बना हुआ वाटर वर्क्स है। वाटर वर्क्स आजकल एक क्रेज चल गया है कि अपनी बात मनवाने के लिए प्रशासन पर एक दबाव बनाने के लिए जो पानी की टंकियां जो लगी हैं उस पर आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति चढ़ता है। जैसे कि आज आप देख सकते हैं सुरेशिया के अंदर एक महिला वार्ड नंबर 58 की, नाम बताया जा रहा है कि सुलोचना, सुलोचना नाम की ये महिला अपनी बात मनवाने के लिए आज टंकी पर चढ़ी है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या उनकी बात, क्या वाकई प्रशासन उसकी सुनवाई नहीं कर रहा या वैसे ही कोई दबाव बनाने के लिए या इसके पीछे कोई और बात है, ये तो उस महिला के नीचे उतरने पर ही पता चलेगा। पुलिस प्रशासन के कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से खड़े हैं, किसी अनहोनी घटना ना हो इसलिए समझाइश की भी कोशिश की जा रही है। वार्ड पार्षद भी आए हुए थे मगर थक कर हार कर वे वापिस चले गए हैं। क्या बात है, क्या मुद्दा है, ये तो जब महिला नीचे आएगी तब पता चलेगा। बाकी प्रशासनिक अधिकारी जैसे यहां पहुंचेंगे अपने उनसे बात भी करवाएंगे कि वो क्या कहते हैं इस मामले के बारे में। देखने वाली बात तो यह है कि वाटर वर्क्स की ऐसी भरी हुई टंकियां जहां गार्ड की व्यवस्था नहीं, इस वाटर वर्क्स में चारों तरफ कोई ऐसी बाउंड्री भी नहीं है जिससे कि आम व्यक्ति ना आ सके। ये रास्ता जो है ये जन साधारण का रास्ता ना होकर वाटर वर्क्स के लिए बनाया गया था, मतलब जन साधारण के लोग भी जाते हैं। वाटर वर्क्स के अंदर ऐसा कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है जिससे कि आम लोगों को यहां आने से रोका जा सके, ये भी एक मसला है, ये भी सोचने वाली बात है। आज का जो मुद्दा है वो इस सुलोचना नाम की महिला का, जो आम लोगों से दबी जुबान में यहां लोगों ने जो बताया कि इसकी लड़की का कोई मामला ससुराल वालों का है जिसकी कोई फरियाद इसने लगा रखी है महिला थाने के अंदर मगर सुनवाई नहीं हो रही, ऐसा सुनने में आया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी बात है, ये तो टाइम पर पता चलेगा जब महिला नीचे आएगी। बने रहे आप मेरे साथ पूरी वीडियो पर, धन्यवाद। लगभग 3 बजे के आसपास सुलोचना नाम की महिला व उसकी पुत्री जो कि शादीशुदा है और अपने परिवार से परेशान है और इसका मामला हनुमानगढ़ महिला थाने में अंदर चल रहा है। महिला का कहना था कि उसकी बात नहीं मानी गई इसलिए उसे ये कार्रवाई उठानी पड़ी। तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद गणमान्य व्यक्ति टंकी पर चढ़े वे महिला की समझाइश करने लगे। आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ व्यक्ति टंकी पर चढ़ रहे हैं और समझाइश के लिए जा रहे हैं। आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल ऊपर का भी हाल दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं किस तरह से महिला ऊपर बैठी हुई है अपनी लड़की के साथ में। वे कुछ बातें मनवाने का आश्वासन देने के बाद महिला कुछ समय बाद दोनों महिलाएँ नीचे उतरी और अपनी बात रखी। आपकी बात करवाता हूं महिला से, वो क्या कहती है इस बारे में, क्या ऐसा हुआ जिसके कारण आज उसे इतनी बड़ी जो कार्रवाई करनी पड़ी और प्रशासन पर दबाव बनाना पड़ा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख सकते हैं पुलिस की और प्रशासन की समझाइश के बाद से दोनों महिलाएं नीचे उतरने को राजी हुई हैं और आप देख सकते हैं आपके सामने
बिल्कुल ऊपर से दिखा रहा हूँ। पार्षद हाकम जी की समझाइश, पुलिस के प्रयास से दोनों महिलाएं नीचे आने पर सहमत हुई हैं, आपके सामने है। नीचे जाने के बाद में जो कार्रवाई किस तरह की हुई, महिला से बात भी कराएंगे आपकी, क्या कहेंगे ये इस बारे में, क्या कारण था कि इनको ऊपर इस तरह की कार्रवाई या इस तरह का स्टेप उठाने की जरूरत पड़ी? बच्चा धारा 11 बजे पे लिया जी। मैं मेरी भी हरकत हो रही है, मेरे छोरी शाका ससुर की सी हरकत कर लिया, समझा मैडम ने जमाई कौन सी, मेरी बात मैं जमाई कौन सोच, जो भी कार्रवाई हुई मैं सारी कार्रवाई कर, तो कौन ही सो मैं कह दरवाजा दे दिए। हां देखो मेरा जांच चंद करा देगा साहब, बच्चा मंगा जाए काली रेट में, जो थारो सामान जो सामान थारो मंगा दे। अरे फिर और के जो के मेरे गलती होगी, देखो फिर भी प्रकार धन्यवाद ठीक बात के कोनी, 9 साल ब्याह न हो गया, राजी खुशी कर ली है, अब वो कम ले जाओ, कौन छोरी गलत तक है, छोरी मेरी गलत कोनी, कल भाई रंग सामने पुलिस के सामने खुद गलत है वो, अब मेरो कुटुंब गलड़ी है, मेरी बीकानेर बहन बेड़ी है, 4 तोला सोनो गलियो है, 20 तोला चांदी गली है, बाकी 12 बिस्तरा मेरी छोरिया का है, डबल बेड है, अलमारी है, कुर्सी है, मेज है, सारो की सामान है, जितो भी मेरे पहुंचे बर्तन भी है, आज वो कल बर्तन ले गया, पेटी ले गया, टूटेड़ी पेटी ले गया, वाह कह आज संध्या मैडम ने कहा आप पेटी चकले अरे वो सामान चकले, मैं क्यों बेड है एक मेरो, बाकी मेरो कोई सामान को नहीं, क्या उतना चकनो पड़ागो, मैं किया चकल संध्या मैडम है, मैंने धमकी दे गई जब मैं आ मजबूर, मैंने संध्या मैडम करी जब मैं आ चढ़ी हूँ आज, है मैंने मजबूर करी बने, मैं 9 बजे रात ने दिन का 9 बजे जाऊं, 9 बजे ठाणा वापिस आऊं, मेरी कोई सुनाई कौन करे, मेरी आ बचड़ी रो रोगे पागल होगी, है इन्हें बुला के दबाव दे गए, वो स्टाम्प लिखोगे क्या मांग कर रहे हैं आप, मांगा करे क्यों, कल मेरी छोरी आनी चाहिए, मेरी छोरी का जो भी टूम गाली 4 तोलो सोनो 20 तोलो चांदी है, और बाकी मेरा सामान है देड़ो दाइज को वो सारो नुओ आना चाहिए, मेरे टूटेड़ो कुछ भी कौन लिया बच्चे दोनों टाबर मन कल 10 बजे के तो मैं एक घंटों था ना लेट कर दूँ 11 बजे मैंने बच्चा चलना उसकी ये मांग थी कि भी मेरा दहेज का जो सामान है वो मुझे पूरा नहीं मिला, दूसरा जो उस परिवार है उसके 2 छोटी बच्चियां हैं वो उसके पति के पास है वो उनको लेना चाहती है, दूसरा उसने ये आरोप लगाया था कि भाई जो वर्तमान जो आईओ है उस आईओ संजय सिंह ने अनुसंधान नहीं करवाना चाहती, जिसमें उच्च अधिकारियों को हालात निवेदन किए गए, उनको आश्वासन दिया गया कि उनके मुकदमे में सही कार्रवाई की जाएगी, बच्चों को सुपुर्द कर दिया जाएगा और अनुसंधान है वो किसी दूसरे अधिकारी से करवा दिया जाएगा, इस आसन पे वो नीचे उतर के आगे टंकी से जी, इन्होंने इनको जो बताया गया है उसकी इनकी जो मांगे हैं उसके अनुसार उच्च अधिकारी को निवेदन कर दिया गया है, उनकी मांगों पे जो जायज जो कार्रवाई कानूनी सम्मत बनती है वो कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाएगी, और बच्चों के लिए जहाँ तक बात है तो पंजाब में रहते हैं तो उनसे इनको कल दोपहर से पहले पहले उनको मंगवा के इनको सुपुर्द कर दिया जाएगा, इस संबंध में जो भी कार्रवाई बनती है वो आगे देखेंगे, जाँच के दौरान जो चीज़ आती है सामने उसमें कार्रवाई करेंगे। सर ईओ ने जो एक गाड़ी की डिमांड की है इनके साथ जाने के लिए, सर उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं इस संबंध में मुझे कोई पता नहीं है, इस संबंध में कोई ऐसी कोई बात है तो नहीं, ऐसा कोई है परिवादी से गाड़ी मांगी जाए पर्सनली? नहीं कोई गाड़ी मांगने का कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, और इस तरह की कोई बात होगी तो जाँच करेंगे, उसमें जो कार्रवाई बनेगी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।